प्रकृति ने हमारे भीतर एक चीज रखी है, बताओ क्या चीज हो? बचपन से है हमारे भीतर, वो है भाई। वो भाई कैसा है? जैसे कोई बीज, बीज के ऊपर एक परत है, जैसे वो बीज भीगा उसके भीतर से वो अंकुर फूटता है, वो परत अपने आप को छोड़ देता है। इसी तरह से हमारे चारों ओर एक कोश है, वो भाई का कोश। अब देखिए, बच्चा थोड़ी दूर भागता है, देखता रहता है माँ कहाँ बैठी है, पापा कहाँ बैठे, उतना दूर भागता है फिर वापस दौड़ के आ जाता है। तो भाई एक कुदरत की देन है जीवन की रक्षा के लिए। भय होने के वजह से हम गलत काम करने से अपने आप को रोकते हैं। तरह तरह का भय है, आप ये बीमारी का भय, फिर नियम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहना हो और हाथ धोना, सैनिटाइजर लेके हाथ साफ करते रहना, ये सब करते रहो। अच्छा, यहाँ तक आ गया कि भाई बिन प्रीत ना हो। प्रेम और भाई में बड़ा साठ गांठ है। शीर्षासन करता हुआ प्रेम भाई समझो। जीवन के प्रति प्रेम होता है, जीवन में भाई भी होता है। और भाई को प्रेम में बदलने के लिए ईश्वरीय शक्ति को मानना। आपके भीतर जो जोश है, जोश जगा, वो भाई दूर हो जाएगा। दूसरी बात है भक्ति जगाओ। इसको मानने वाली बात कहता हूँ, क्यों जान तो नहीं सकते हो, एक शक्ति है, ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय शक्ति है, वो बेहद तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी माँ बाप से भी अधिक प्यार करती है। एक बड़ी शक्ति है, ताकत है, वो तुमको संरक्षण दे रही है। ईश्वर की मौजूदगी हम मान लेते हैं तो भाई जीवन से हट जाएगा। जीवन में मृत्यु निश्चित है ये जानना और ईश्वरीय शक्ति को मान लेना। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, सबको प्रेम से गले लगाते चलो, ये मंत्र है।